आपके सामने लगे ढेर सा, ये गीज़र है जापान का, रिनाई गीज़र है, रिनाई सबसे मशहूर ब्रांडेड गीज़र है। सही है, इसमें हसन भाई ये देखो, इसमें ये जो लगे ना, ये इसका इनलेट है, सही है, ठंडा पानी जाता है, ये इसका गैस है, ये इसका आउटपुट है। बटन दबा दो गर्म आएगा, बटन बंद कर लो बंद होगा, नलका खोल लो तो ठंडा गर्म पानी आएगा, नलका बंद कर लो दोबारा बंद होगा। हमारे पास ये दूसरा शेप है जो स्पेसिफिक किचन में यूज़ हो रहा है ना। अच्छा जी, जब भी आपकी ज़रूरत हो तो ये किचन में मतलब पानी बटन दबा दो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसकी पर मैं बॉडी खोल के आपको इंटरनल पार्ट्स इसको दिखा दूंगा कि किस तरह इसमें प्रोसेसिंग होती है अंदर। ये भी पुलोमा है, इसमें ये 2020 मॉडल है। ठीक हो गया। इसमें कमाल ये है कि इसमें अगर फॉल्ट आ जाए तो ये स्पेक आपको इसमें साउंड का सिस्टम इन लोगों ने लगाए आपको बता देता है। अच्छा, 100% कॉपर है ये। ठीक हो गया। ये देखो, जितना भी आप रफ करोगे इससे जाएगा नहीं। इसमें सेंसर लगा हुआ है, सही है, ये जब ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाए तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। सही है, सर्किट आप देखो, इसमें ग्लो इन लोगों को लगाया है, बिल्कुल कवर सा है। ये इसका गैस का नाप है ना, ये देखो, गैस और कम ज़्यादा करने के लिए। हसन भाई अगर इसका ये साइज़ हम देख ले तो इसका ये साइज़ इससे बड़ा है। इसमें हसन भाई बर्नर सिर्फ 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 जेट्स इसमें लगे हैं। फॉल्ट आ जाए 10 सेकंड दबा दे, इसमें फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा यार। ये हमने इधर पानी लगा दिया हसन भाई, ये जो मैंने नीचे आपको कहा था कि अभी हम स्टार्ट कर देते हैं और पीछे से गैस हमने छोड़ दिया। ये देखो हसन भाई, इधर आप ये स्क्रीन, ये देखो ये गर्म है, आप हाथ नहीं लगा सकते हसन, ये देख चेक कर लो, गर्म है। हाँ, इतना प्रेशर में ये गर्म, इतनी जल्दी गर्म होना। ये देखो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। जैसा कि अपने इंटर में भी देख लिया और मेरी बैक साइड पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, आज की स्पेशल वीडियो होने जा रही है गीजर्स पे। तो इमदाद भाई से भी मिलेंगे, उनकी लोकेशन भी पूछेंगे, उनका नंबर भी लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलो, इंशाल्लाह लास्ट में हमें एक बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र भी मिलने वाली है। और ऑफ़र से पहले एक और चीज़ भी बता दूँ, इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि लोकल और जो जापानी गीज़र होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है, बाकायदा डिटेल के साथ डेमो के साथ लगा के आपको चेक करवा के दिखाएंगे। और कीमतों की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, आपने काफ़ी देखी होंगी वीडियोज़, काफ़ी रेट सुने होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आज हमें स्पेशल कुछ ऑफ़र भी मिलेगी। तो अब मज़ीद मिलते हैं इमदाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम इमदाद भाई, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम हसन भाई, कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैर खैरियत। अच्छा सर, अपना एड्रेस भी एक बार दोबारा बताएं, अपना नंबर भी बता दें, और उसके बाद आज आप हमें कौन से ऑफ़र देने वाले हैं और कौन सी गीज़र दिखाएंगे? सबसे पहले तो हसन भाई, हमारा एड्रेस जो है पेशावर कारखानों मार्केट में है, कारखानों मार्केट में, फिर पिरानो मार्केट, न्यू बी ब्लॉक, अब्दुल जब्बार एंड सन्स इलेक्ट्रॉनिक, 2930 नंबर शॉप है जी। ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 0334010 8437, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन व्हाट्सएप बताने से पहले मैं एक गुजारिश अपने आपके व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब भी कोई चीज़ हमसे डिमांड करना है तो आप लोगों ने जस्ट ओनली हमें एक मैसेज छोड़ना है। बार बार अगर आप लोग फ़ोन कर लेते हो ना तो कभी नेटवर्क का इशू होता है, कभी फिर मसला ज़्यादा होता है। अगर आप लोग अपना डिमांड, मतलब आपको गीज़र चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, तो आप हमें एक खाली मैसेज छोड़ दें, हम आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद जवाब दे सकते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हसन भाई, ये जो आपके सामने लगे ढेर सा, ये गीज़र है जापान का, रिनाई गीज़र है। ये मैंने इस वजह से चाहा कि सीज़न आने से पहले हमारे पास जो स्टॉक में पड़े होते हैं वो बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में और बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो मैंने चाहा कि हसन के जो व्यूवर्स हैं उनको ये ऑफ़र दे दे कि ये अभी इसका सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तकरीबन 15-20 दिन इसमें हो गए। तो गीज़र तो वैसे ही हमारे पास जल्दी स्टार्ट होते हैं, मतलब ठंडे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है कंपेयर जो हमारे पास हीटर लगे ना इसके मुताबिक। लेकिन मैंने गीज़र का एक स्पेसिफ़िक वीडियो इस वजह से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये गीज़र का सीज़न सर्दी जल्दी आ जाती है जो ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, इसी वजह से मैंने चाहा कि आपको गीज़र के मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बता दूँ। ठीक हो गया सर, तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले आप हमें कौन सा गीज़र दिखाएंगे और मार्केट में क्या रेट हैं, इनके रेट के साथ और चीज़ें वगैरह आपने हमें समझानी है, क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होते हैं जिनको मुकम्मल डिटेल चाहिए होती है। सही, तो डिटेल से आज थोड़ा सा आप हमें समझाना शुरू करें। पहले तो मैं इंशाल्लाह ये जो गीज़र मेरे पास पड़े रिनाई ब्रांडेड है, सही है, इसमें मैं आपको तफसीलन एक ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास जापान के गीज़र है, सही है जी।
इसके बॉडी ये देखो, रिनाई सबसे मशहूर ब्रांडेड गीज़र है ये। इसमें हसन भाई ये देखो, इसमें ये जो लगे ना, ये इसका इनलेट है सही है, ठंडा पानी जाता है, ये इसका गैस है, ये इसका आउटपुट है। इसमें कमाल ये है कि ये इंस्टेंट है, जब भी पानी की ज़रूरत है, ये देखो हमने चेक किया इसे, अभी भी पानी गिरती है ना। जी 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 जी। तो जब भी पानी की ज़रूरत है, इस तरह ये लटका होता है, आपने जब भी पानी की ज़रूरत है बटन दबा दो, गर्म आएगा, बटन बंद कर लो बंद होगा, नलका खोल लो तो ठंडा गर्म पानी आएगा, नलका बंद कर लो दोबारा बंद होगा। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल है, ये देखो अगर मैं आपको इसको मॉडल बता दूँ ना हसन भाई, इसका 11 मॉडल है सही है, ठीक हो गया, 2011 मॉडल है। इसके अलावा हमारे पास एक ये शेप है, इसके अलावा हमारे पास ये दूसरा शेप है जो स्पेसिफिक किचन में यूज़ हो रहा है ना। अच्छा जी। जब भी आपकी ज़रूरत हो तो ये किचन में मतलब पानी बटन दबा दो, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसकी पर मैं बॉडी खोल के आपको इंटरनल पार्ट्स इसको दिखा दूंगा कि किस तरह इसमें प्रोसेसिंग होती है अंदर। ठीक। तो इसके अलावा ये हमारे पास ये रिनाई का है, ये मॉडल भी है और ये मॉडल भी है सही। और मैं सर कीमत अगर बताई जाए वो 11 मॉडल की, अगर कीमत तो मैं बाद में आपको बता दूंगा, पहले जब मैं आपको टोटली इसका बता दूं, ये हमारे पास पुलोमा एस एम आई, ये देखो ये पुलोमा इंस्टेंट वाटर हीटर है, ये दोनों जापान के ब्रांडेड है, रिनाई भी है और पुलोमा भी है सही है। इसमें ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, बिल्कुल कंडीशन के लिहाज से अगर ये आप देख ले बिल्कुल नया है जी। और इसमें हमारे पास दूसरा मॉडल भी है, ये भी पुलोमा है, इसमें ये 2020 मॉडल है। ठीक हो गया। इसमें कमाल ये है कि इसमें अगर फॉल्ट आ जाए तो ये स्पेक आपको इसमें साउंड का सिस्टम इन लोगों ने लगाए आपको बता देता है। अच्छा, ये अलर्ट आपको कर देगा। अलर्ट कर देता है कि आपका या सिल का मसला है या पानी कम है या गैस का प्रेशर कम है, तो ये लेकिन जैपनीज में बताएगा ना आपको, जैपनीज पर मतलब अगर वो लेडीज या बंदा बोलेगा तो समझ आएगा फॉल्ट है। हां एग्जैक्टली, या गैस का होगा या पानी का होगा या ठीक हो गया सर सिल का मसला होगा जी जी। और हसन भाई जो मैं आपको बताना चाहता है कि जापान के गीज़र में जो कमाल है ये इसमें है सही है जी। ये मैं अगर आपको ये बता दूं हसन भाई कि इसमें कमाल नहीं, पहले तो मैं आपको ये चेक कर रहा था कि ये 100% कॉपर है, कॉपर मीन ये जो तांबा है, ये मैं आपको चेक करा देता हूँ इस वजह से कि ये इसी वजह से लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। फिर मैं पाकिस्तानी गीज़र भी आपको खोल दूंगा ना जी जी, कि उसकी कंपेयर और इसकी, ये मेरा सिर्फ यही दिखाने का ये है कि ये देखो ये 100% कॉपर है सही। ठीक हो गया। ये देखो जितना भी आप रफ करोगे इससे जाएगा नहीं, क्योंकि जापान का है, जापान का तो वैसे ही नाम ही काफ़ी है। बाकी ये इसकी इंटरनल पार्ट्स है सही है हसन भाई जी। ये इसमें सेंसर लगा हुआ है सही है, ये जब ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है सही है। ठीक हो गया। ये इसमें इन लोगों ने सर्किट लगाया, ये भी कवर है, ये देखो सर्किट आप देखो, इसमें ग्लो इन लोगों ने लगाया है, बिल्कुल कवर सा है। ये इसका गैस का नाप है ना, ये देखो गैस और कम ज़्यादा करने के लिए। और हसन भाई इसमें कमाल जो है, इसमें लो प्रेशर पे भी चलता है और हाई प्रेशर पे भी चलता है। ये इसका सिल्का ढक्कन है, ये मतलब इस लोगों ने निशान नहीं दिया, ये प्लस और माइनस का, अगर आपने मतलब समझ नहीं आ रहा तो इसमें इन लोगों ने निशान दिया है माइनस और प्लस का। ये गैस का है, ये आउट है, ये इन, मोस्टली लोग इनको समझते नहीं कि इन का लगाना है आउट का लगाना है, ये तो सारा इसमें मौजूद अच्छा, है। ये गैस का, गैस का जी। आइए देखो, ये जो सिल्वर का है वो गैस का है, जो पीतल का है ना कॉपर का, ये पानी का है ना, ये आउट जो है मिडल में, वो हर गीज़र का जो है, जितने भी गीज़र है इधर, ये देखो किसी में ब्लैक लगा है, किसी में ये ब्राउन सा लगा है, सारे जो मिडल में हो वो इसका आउट है सही। मतलब है? ये जो दरमियान में सेंटर में लगा होता है ना, कि इन दोनों पाइपों के दरमियान में ये वाला जो हो गया, ये गर्म पानी होगा, ये ठंडे पानी के लिए हो गया और ये गैस का होगा। ये हसन भाई फिल्टर है सही है, ये देखो ये अगर कोई खुदा ना खास्ता पानी में गंदगी हो या कोई और मतलब हो तो इसको आप खोल दो, जो भी इसके पाइप्स में गंद हो ना वो सारा इस साइड पे निकलेगा, तो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब जो भी पानी में कभी कभी इस तरह होता है कि ज़्यादा और हीटिंग कर ले तो ये वो पोर सा पकड़ लेता है जी ना, जी, जो हमारे केटल चैनक जो होते हैं ना जी, तो जी, वो भी कर लेता है। तो ये इसके इंटरनल पार्ट्स मैंने आपको बताया हसन भाई, अभी हम एक पाकिस्तानी गीज़र खोल के वो उसकी कंपैरिजन करके आपको बता देते हैं। ठीक हो गया सर। हसन भाई मैं जो आपको कह रहा था कि एक कंपैरिजन भी हम कर लेते हैं, हमारा ये लोकल प्रोडक्ट है, लोकल मीन चाइना का सही है, पार्ट सारा चाइना से आ रहा है, फिर इधर फिटेड होता है। हमारे पास कंपनी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन मैं उसके नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये बिज़नेस की खिलाफ है ना। तो मैं जस्ट ओनली कंपैरिजन आपको करके हसन बताई कि हमारे लोकल और जैपनीज़ में फ़र्क क्या है, इसमें मटेरियल में क्या फ़र्क है। ये तो हर कस्टमर को ही पता होगा कि जैपनीज़ में और
और लोकल या चाइना में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल जैसी जी। ये इस पे हमने दो पेचेज है वो खोल दिए सही है, जिसमें बटन हम निकाल लेते हैं प्रॉपरली कि आपको दिखा दे कि इसका इंटरनल पार्ट जो है जी किस तरह है, कॉपर में है कॉपर में नहीं है। मोस्टली लोग बहुत यूजेज होता है इस पे, इन लोगों ने 80 एनर्जी सेविंग ये सारा लेबल लगाए, इसको हमने ये उल्टा कर दिया सही है हसन भाई। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास अभी जो नामी गिरानी एक डाई है, इसमें गोल्डन फ्यूजी का भी आ रहा है, दूसरे का राडो का सारों का ये शेप है, ये इम्पोर्टेड है चाइना से आते फिटेड ही तौर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कंपेरिजन कर लेते हैं हसन भाई टैंकी की। जी जी। जो मेन चीज़ जो मेन दिल है जो इंसान में दिल होता है इसमें ये टैंकी है सही, वो कंपेरिजन करके पहले ये हसन भाई अगर इसका ये साइज़ हम देख ले तो इसका ये साइज़ इससे बड़ा है जी कंपेयर टू उसकी सही जी। फिर हम इधर ये रखते फर्स्ट ऑफ ऑल तो दूर से नज़र आ रहे हैं हसन भाई कि ये सिल्वर है और ये कॉपर है और सिल्वर भी देखें फिटा हुआ सिल्वर है। तो बहुत एक बेकार सिल्वर इन लोगों ने लगाया है। और इसके अलावा हसन भाई जो इसमें इन लोगों ने ये रीली लगाया जो गैस को छोड़ देता है जी जी वो भी थर्ड क्लास इन लोगों ने लगाई है सही है। ये जापान का जो इन लोगों ने लगाया है ये देखो सर में क्वालिटी देख ली सही, ये देख सकते हैं जी आपको अंदर नज़र आ रहा होगा। ये देखो ये गैस का ये इधर रीली है सही है। ये भी कंपनी जेनवन रिनाई का लिखा होता है हर जी 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 पार्ट स्पेस का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बस वो देखने वालों को यही काफ़ी है कि ये कॉपर है और ये बिल्कुल सिल्वर है, जीरो सिल्वर है बिल्कुल। अगर ये ज़्यादा गर्म हो भी जाता तो ये देखे ना कैसा कलर सा नमकीन सा हो जाएगा और ये जल्दी फटना और ख़राब, ये ब्लास्ट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली हसन भाई। दूसरी इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू कॉपर की, तो इसी वजह से मेन चीज़ जो आजकल रिनाई लोग ले रहे तो इसी वजह से ले रहे कि ये जेन्युइन कॉपर का होता है, सेफ्टी ज़्यादा होती है, गैस कंजप्शन उसकी कम होती है। और इसमें हसन भाई बर्नर सिर्फ तीन है इसमें, देखे मैं आपको एक वाजी ये देखो हसन भाई अगर आप नज़दीक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 jets इसमें लगे, 13 jets 13 jets इसमें लगे तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लो कि ये कितना कंजप्शन करेगा गैस का। बिल्कुल जी ज़रूर, हमारे चूल्हे में होते हैं 2-3 burner होते हैं ना, उससे हम तंग होते हैं कि ज़्यादा खर्चा करते, लेकिन इसमें जस्ट ओनली हसन भाई अगर मैं इसकी बर्नर आपको दिखा दे तो नज़र तो नहीं आते लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो हसन, 1, 2, 3 ये इसके बर्नर इधर लगे होते हैं, सिर्फ जस्ट ओनली 3 burner हैं इसमें। हमारे लोकल में कितने होते हैं, 13 burner होते हैं। बाकी इसमें जो इन लोगों ने ये सर्किट लगाया है जस्ट ओनली 160 का सर्किट है चाइना का, तो इसमें ये जेन्युइन है। ये ख़राबी होता है विद इन 6 months, ये इसका 10 साल में गारंटी दे रहा हूँ हसन भाई। ये देखें अभी मैं आपको शॉर्टकट से समझाता हूँ कि भाई ये इसकी 10 साल की गारंटी दे रहे हैं और इसके ऊपर जो मटेरियल के ऊपर ये देख सकते हैं ना ग्लू सा किया हुआ है, जिस तरह मर्जी आप इसके ऊपर पानी वगैरह कुछ भी, इसको नमी चली जाए कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। और इसके जो आप पार्ट देख सकते हैं इसके अंदर अलार्म सिस्टम भी लगा हुआ है और इसकी वायर का सिस्टम प्रॉपरली। हसन भाई इन लोगों ने रिसेट बटन भी दबाया है। अच्छा, रिसेट भी कर सकते हैं, फॉल्ट आ जाए 10 सेकंड दबा दे इसमें फॉल्ट खत्म हो जाएगा। यार मजे की चीज है ना, देखें प्रॉपरली एक इसके उन्होंने मीटर से भी दिए हुए हैं, ट्रांसफार्मर से जो भी होते हैं ये भी देख सकते कि बकायदा कंजप्शन बिजली सारा कुछ, स्टार्टर्स के इलेक्ट्रिकल ये स्टार्टर देख सकते हैं यहाँ से जी। ये इसका थर्मोकपल है सही, देखो जब ओवर हीटिंग हो जाए डायरेक्ट गैस पीछे से बंद कर लेता है ऑटोमेटिकली ऑफ। मेरे जैसा सादा बंदा जो फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहा है मुझे भी इस चीज़ की लॉजिक की समझ आ गई कि ये चीज़ें मुख्तर सी चीज़ें, और यकीन माने ना मुझे इसके किसी चीज़ की समझ आ रही है कि ये किस चीज़ के लिए, ये या आप बता रहे हैं तो मुझे इसकी समझ आई है। ये इस तरह होते हैं हसन भाई कि ये देखो बहुत इस तरह एक सिंपल लो का, ये देखो फिटिंग देख लो आम इधर से देख लो, इधर इन लोगों ने कॉपर का दिखाया है कि पीछे से नज़र आ जाए बाकी सारा ही सिल्वर है। हाँ मतलब हम साइड से देखेंगे यहाँ पे ये बड़ा कॉपर का पाइप सा लगा हुआ है। तो ये बाहर से इन लोगों ने फिनिशिंग बहुत बड़ी दी होती है ना, मैं इसको यार सबसे मजे की बात चीज़ मुझे अहमदाद भाई की पसंद आती है कि बाकायदा डिटेल से। लेकिन ये वीडियो इन भाइयों के लिए है कि जो प्रॉपरली जापानी चीज़ को समझना चाहते हैं कि इसको लगाया कैसे जाता है, इसके अंदर पार्ट्स क्या हैं, लोकल क्या चीज़ है और ओरिजिनल क्या है। पैसे आपने ज़ाया करने लेकिन अच्छी चीज़ पे ज़ाया तो नहीं, खैर पैसे लगाते हैं। ये इससे सस्ते जैपनीज़, ये इससे सस्ते, ये महंगे हमारा ये जो लोकल गीज़र, ये अभी मेरे पास खुद तकरीबन 10 पीस 15 पीस पड़े ना जो लोकल कस्टमर आ जाते कि हमें लोकल चीज़ दे दे, ये हमें खुद 14,500 रुपये पड़ा है
अच्छा ये जो पान का गीजर आपको 10,000 9,500 11,000 पे मिल जाएगा। अच्छा अब मुझे ना प्राइसें कीमतें बताएं मॉडल वाइज कंडीशन वाइज सारा डिटेल्स। हसन भाई ये जो सारे आपके साथ लगे ना ये मैं कस्टमर को मैं वही हदीस शरीफ है जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए भी पसंद होना चाहिए जी ना? बेशक। तो जो साफ हो वो मैं उसे 11,000 रुपये पे दूंगा, जो मतलब रफ सा हो वो 9,000 रुपये 9,500 8,500 तक होगा, लेकिन 10,500 इसमें बेहतरीन पीस आप मतलब आपके व्यूअर्स को मिलेगा। इसके अलावा हम एक प्रॉपरली आपको एक डायमो दिखा देंगे कि चेक करके दिखा देंगे कि किस तरह ये गर्म पानी देता है, आपने वेयर शॉप पे दिखा देते को चलते सही है। अब उसकी तरफ चलते हैं आपको वो भी दिखाते हैं सही। तो हम आ गए अपने वेयर हाउस, हसन भाई आकर आप कैमरा इधर चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह ये गीजर ही गीजर यहाँ पे पड़े हुए हैं। वेयर हाउस है इनका, ये साथ वाली दुकान भी है, उसके साथ भी एक और वेयर हाउस भी है। तो ये गीजर और आपके सामने पड़े हैं, ये भाई हमारा छोटा भाई है बस, इंशाल्लाह अभी वो आपको चेक करके प्रॉपरली डायमो दिखा देंगे। शॉपर हटा दे, शॉपर तेरे का शापर जब हम किसी कस्टमर को दे रहे हैं हसन भाई तो उन लोगों ने शापर मुकम्मल ही उतारना है क्योंकि ऑक्सीजन इस पे लगे ना, ठीक हो तो इसी वजह से शापर ज़रूर इससे हटाना चाहिए। तो अभी हम वो जिन कस्टमर को समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह ये यूज़ होता है उसको भी ये सिस्टम हम दिखा देंगे। और इधर तो हमारे पास पानी नहीं है हसन भाई, नल का सिस्टम नहीं है ना, तो हमने इसके एक छोटा सा मोटर लगाया है प्रेशर के लिए कि पानी उठाए ना, और ये सील होता है सही है हसन भाई। पहले हमने ये सेल डाल दिया सही है, एक प्लस है फिर दूसरा माइनस है सही है, ये ढक्कन बंद कर दिया। तो हमें सेल से जब सेल हम लगा रहे हसन भाई तो इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा सही है। इसकी आवाज़ आ रही है मुझे, आवाज़ आ रही है, ये देखो ये लाइटर जल रहा है, लाइटर जल रहा है सही है, आवाज़ आ रही है। अभी जब ये हमने इधर पानी लगा दिया हसन भाई, ये जो मैंने नीचे आपको कहा था कि इधर हमने जो कॉपर का है जगह उस पर हमने ठंडे पानी का कनेक्शन दिया है, अभी हमने ये बाई ने एक वार्शल लगा दिया तो ये प्रॉपरली ज़रूरी है। इस वजह से खुदा ना खास्ता लीक हो जाए ना तो लोग कहते हैं कि ये गीज़र में मसला था, लेकिन फिटेड में मसला होता है। वार्शल ज़रूर लगाना है और टेप्लोन भी ज़रूर लगाना है सही है, ठीक हो गया। हाँ तो ये क्योंकि गैस तो ज़रा ख़तरनाक होता है ना तो एहतियात ज़रूर करना चाहिए जी, घर में एहतियात ज़रूरी है। तो अभी ये भाई ने ये हमने उठाया वाकई ओरिजिनल एलपीजी का सही है, जो कंपनी का एलपीजी है वही हमने उठाया है। अभी भाई ने अभी हम स्टार्ट कर देते हैं और पीछे से गैस हमने छोड़ दिया। ये देखो हसन भाई इधर आप ये स्क्रीन ये देखो ये गर्म है, आप हाथ नहीं लगा सकते हसन, ये देख चेक कर लो ये पानी आप चेक कर लो, ये मैं गर्म है इतना प्रेशर में ये गर्म और इतनी जल्दी ये गर्म होना, ये देखो बिल्कुल हॉट हो गया, इसकी आवाज़ आ रही है आपको देखो ना, ये बिल्कुल अभी हॉट है। और इसका मैंने जो कहा था कि इसमें जो तीन बर्नर लगे होते बिल्कुल ब्लू फ्लेम होता है इसका, तो कमाल ही इसमें ये है कि इसका गैस का खर्चा बहुत कम होता है, ये बिल्कुल हॉट आ रहा है सही। अगर आपने फिर नॉर्मल करना है सर भाई इधर आप घुमा सकते हैं सही, जितना पानी आपको चाहिए आपका लेवल इधर करोगे तो बिल्कुल इतना हो, ये देखो ये धुआं नज़र आ रहा है जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये बिल्कुल आप इससे चाय पका सकते हो, तो इतना हार्ड है। तो नॉर्मल जब यूज़ करोगे तो आप इधर रख लोगे तो ये आपको बिल्कुल इतना हार्ड देगा, ये देखो बहुत ज़्यादा हार्ड था तो इसी वजह से ये बंद हो गया। अगर ओवर हीटिंग हो जाए ये गीज़र तो इसमें जो मैंने आपको सिस्टम बताया था ना सेंसर का वो ओवर हीटिंग हो जाए डायरेक्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, मतलब इससे कोई ब्लास्ट का कैसे कोई सीन वगैरह नहीं अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, गैस ज़्यादा आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो जो सिस्टम इसमें लगा था रेली का सिस्टम वही ऑटोमेटिकली पीछे से बंद हो जाता है, ठीक हो गया सर। तो इसके लगाने का सिंपल सा मेथड था आपको हमने समझा दिया, ये एक कील पर आप जहाँ मर्जी इसको लटका दें ये इसका बकाया ऊपर से भी कुछ ऑक्सीजन वगैरह के लिए यकीन करें, यहाँ पे काफ़ी गर्म हीट आ रही है इस वक्त। ये देखो सर मैं ये एलपीजी मैंने जो कहा था कि देखो एलपीजी का है, एलपीजी का हमने लगाया था बस सिर्फ एन दिया था आउट दिया था एक छोटे से मोटर से हमने लगाया था बिल्कुल, ये वाला जी पानी इन हो गया यहाँ से बीच में से आउट हो रहा है और ये बिल्कुल जो लेफ्ट साइड पे सामने लिखा भी होगा इसके ऊपर रेड कलर में गैस, ये देखो इधर से कम और ज्यादा हो रहा है सारा, बस बिल्कुल फंक्शन है, आपने नलका खोलना है बटन दबाना है सारों से ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक हो गया सर जी। सर जी इमदाद भाई आपने कहा था कि हम लास्ट में कोई ऑफ़र वगैरह देंगे तो अभी आप हमें स्पेशल कोई ऑफ़र दे दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और अपने व्यूवर्स की स्पेशल ऑफ़र। तो हसन भाई मैं इस वजह से आपको दूंगा कि आप मेरे वैसे अच्छे लगते हो इस वजह से, बहुत मेहरबान शुक्रिया। स्पेशल जो आपके सब्सक्राइबर है तो उनके लिए मैं स्पेशल एक
इसी महीने मतलब आने वाले महीने 15 तारीख तक मैं एक ऑफ़र दूंगा कि जो भी आपको गीज़र चाहिए मतलब फ्रेश जो मुझे पसंद है वो गीज़र आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा। सही ठीक वो डिलीवरी इसका 400-500 रुपये आ जाता है, हम 500 रुपये जिधर भी आपको चाहिए 10,500 विद डिलीवरी प्लस 1 ईयर वारंटी आपको हम दे देंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी शुक्रिया, क्योंकि मार्केट की रेट फ्लक्चुएशन होती रहती है, ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह रिकमेंड यही करूंगा कि आप अहमदाबाद भाई से ले सकते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह रेट में हमें वही रेट देंगे जब तक ये ऑफर चल रही है। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो इसी बात पे अपने अहमदाबाद भाई से अपने व्यूवर से सबसे इजाज़त चाहेंगे, और इजाज़त चाहने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि माशाल्लाह यहाँ पे भी ढेर लगा हुआ डिस्प्ले में, गोदाम में तो क्या ही बात है ना, और भी चीज़ें पड़ी हैं। तो इसके बाद हम ना इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको हीटर वगैरह दिखाएंगे, ब्लोअर वाले भी हैं, कुछ गैस वाले भी हैं, और कुछ आपको गैस वगैरह भी दिखाएंगे जिसके अंदर ये पलोमा, ओसाका, ये अलग अलग जो होते हैं जो रनाई वगैरह के जो गैस चूल्हे वगैरह ये भी दिखाएंगे। तो डिस्प्ले के अंदर आपको काफ़ी गीज़र्स वगैरह काफ़ी चीज़ें वगैरह नज़र आ रही होंगी। तो ईरानी फ्रिज वगैरह चीज़ें भी इनके पास पड़ी, लेकिन उनका सीज़न तो चला गया, अगर फिर भी कोई हमारा कस्टमर वगैरह इंशाल्लाह हमारे जो व्यूवर आते हैं इनके पास तो वो भी इंशाल्लाह डील कर देंगे, उसमें भी अब इंशाल्लाह आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ हसन भाई।